लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में खसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल मांग के तहत निगवान कार्ड जारी करने का फैसला कर लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत सोशल वेलफेयर एंड बैतुल मांग डिपार्टमेंट से मुतलिक इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें उन्होंने स्पेशल अफराद का मुस्तंद डेटा मुरतब करने की हदायत की। इजलास में माजूरी के साथ काम करने वाले अफराद के लिए कर्जा स्कीम का अजरा भी किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में माजूर अफराद को व्हील चेयर और दीगर मददगार आलात मुहैया करने का फैसला भी किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि खसूसी अफराद को मालिक खुद मुख्तारी के लिए 1 से 2 लाख रुपए कर्जा दिया जाएगा। हर डिवीजन में खवातीन पर तशद्दुद के सदबाब के लिए VAWC सेंटर बनाने की इजलास में मंजूरी दी गई। इजलास में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद के स्किल्स डिवेलपमेंट सेंटर्स फाल करने और दीगर अजला में कायम करने, स्पेशल अफराद के लिए काम करने वाली NGOs के ऑडिट की तजवीज़ का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी इमारतों में खसूसी अफराद के लिए रैंप और बाथरूम की सहूलत पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब की गई और हर नई सरकारी बिल्डिंग में खसूसी अफराद के लिए बाथरूम और रैंप लाजमी करार दिया गया। इजलास में वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टास्क फोर्स बनाने की सिफारिशात पर गौर किया गया। हर डिवीजन में मनशियात बहाली सेंटर्स के क्याम के तजवीज का भी जायजा लिया गया, जबकि सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन की मंजूरी भी दी गई।